ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य। नारायण नमस्कृत्य।
नरम चैव नरोत्तमम् नरम चैव देवीम नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है। सुस्त्री के सभी भ्रष्टा नव गौध नव सौगंधिक सजा यत्र आमोद उपादाय मार्ग आवाति मारुतः। मेरे साथ पढ़िए। सुर स्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिक सजा नवसौ यत्र आमोद आमोदम उपादाय उपादाय मार्ग आवाति मारुतः। शब्दार्थ है सुर स्त्री, देवताओं की स्त्रियों के केश बालों से विभ्रष्ट घिरा हुआ नव सौगंधिक ताजे महकते फूलों से बने सजा फूलों की मालाओं की यत्र जिसमें आमोदम सुगंधि उपादाय ले जाकर मार्गे सड़कों पर आवाति बहता है मारुतः मंद पवन। मंद पवन देवताओं के स्त्रियों के जो बालों में फूल लगे हैं उनकी महक को सड़कों पर ले जा रहा है। कितना अच्छा वर्णन। मेरे साथ पढ़े। उस पुरी की सड़कों में से होकर उस पूरी की पूरी की सड़कों से होकर हाँ पुरी मतलब इंद्रपुरी बहने वाला मंद समीर देवताओं के स्त्रियों के बालों से देवताओं के बालों से गिरे फूलों की सुगंध से युक्त था। गिरे फूलों की सुगंध से युक्त था। हाँ, स्वर्ग में कहा जाता है बदबू नहीं होती है, जैसे हमारे भौतिक जगत में बदबू ही बदबू है, वहां दुर्गंध नहीं होती है, सुगंध होती है। हेम जाल अक्ष निर्गच्छत धूमेन अगुरु अगुरु गंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन् मार्गे यान्ति सुरप्रिया। मेरे साथ हेम जाल अक्ष निर्गच्छत धूमेन अगुरु गंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन् प्रतिच्छन् मार्गे यान्ति सुरप्रिया। मार्गे हेम जाल अक्ष यानी सुनहरी जाली से बनी छोटी सुंदर खिड़कियों से क्या निकल रहा है वो खिड़कियों से निर्गच्छत निकल कर उठकर धूमेन धुएं से धुआं कौन सा है अगुरु गंधिना अगुरु जलने से सुगंधित पांडुरेण अत्यंत श्वेत प्रतिच्छन्न ढका हुआ मार्गे सड़क पर यान्ति गुजरती है सुरप्रिया सुंदर अप्सराएं देवी बालाएं। मेरे साथ पढ़िए। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थीं अप्सराएं जिन सड़कों से गुजरती थी वे अगुरु के श्वेत सुगंधित धुएं से वे अगुरु की श्वेत सुगंधित ढके हुए थे।
ढकी हुई हुई थी ढकी रहती थी, जो सुनहरी तारकसी वाली, जो जो सुनहरी सुनहरी तारकसी तारकसी वाली वाली खिड़कियों खिड़कियों से निकल रहा था। से खिड़कियों से निकल निकल रहा रहा था। था मुक्तावितान मणि हेम केतु भी नाना पताका वल भी आवृतम आवृताम शिखंडी पारावत नादिताम वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। मेरे साथ मुक्तावितानैः मणि हेम केतुभिः मुक्तावितानैः नाना पताका वल नाना पताका वल भी आवृताम नाना नाना पताका पताका नाना पताका वल भी आवृताम नाना नाना पताका शिखंडी पारावत भृंगनादिताम शिखंडी वैमानिक पारावत स्त्री कलगीत मंगलाम वैमानिक शब्दार्थ मुक्ता बिताने मोतियों से सजे मंडपों से मणि हेम केतु भी मोती तथा सोने से बनी झंडियों से नाना पताका तरह तरह के ध्वजों वाला बल भी महलों के गुंबदों सहित आवृताम ढका हुआ शिखंडी मोर जैसे पक्षियों पारावत कबूतर भृंग भौरे नादिताम अपनी अपनी गुंजार करते वैमानिक विमानों में चढ़कर स्त्री स्त्रियों का कल गीत सामूहिक गान। देवताओं की स्त्रियां सामूहिक गान गा रही का मंगलाम कल्याण से पूरित। मेरे साथ पढ़े नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे नगरी में मोतियों से मोतियों से सजे सजे की छाया पड़ रही थी चंदोवे की छाया चंदोवे पड़ की रही छाया थी पड़ रही थी और महलों के गुंबदों में और महलों के गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थीं। मोती मोती तथा तथा सोने की सोने की पताकाएं थी पताकाएं थीं। वह नगरी सदा वो नगरी मोरों सदा कबूतरों मोरों कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी तथा तथा भौरों भौरों की ध्वनि की से ध्वनि गूंजती से रहती थी गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे उसके उसके ऊपर ऊपर विमान विमान उड़ते उड़ते रहते रहते थे थे जो जो कानों को अच्छे लगने वाले कानों को अच्छे लगने वाले मधुर गीतों का निरंतर गायन करने वाली मधुर मधुर गीतों गीतों का का निरंतर निरंतर गायन गायन करने करने वाली वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे सुंदर स्त्रियों से सुंदर भरे रहते स्त्रियों थे से भरे भरे रहते रहते थे थे। हाँ जो विमान उड़ रहे थे सुंदर स्त्रियों से भरे थे और सामूहिक गान गाते थे तो कानों को बहुत अच्छा लगता था। ये वर्णन चल रहा है स्वर्ग का। मृदंग सॉरी मृदंग शंख आनक दंधुभिः स्वनैः सताल वीणा मुरज इष्ट वेणुभिः नृत्य सवाद्य उपग्रेव मनोरमाम स्वप्रभया जित प्रभाम। मेरे साथ मृदंग शंख आनक दंधु भी स्वन है मृदंग शंख मृदंग यानक दुंद भी स्वनहि शंख सताल वीणा मुरज इष्ट वेणु भी सताल सताल वीणा वेणु मुरज भी इष्ट नृत्य सव आद्य आद्य विसर्ग आएगा तो र उड़ जाएगा नित्य सवाद्य
उपदेव गीत कह। नित्य सवार सवार द्रुपदेव गीत गीत मनोरमां स्वप्रभया जित प्रभाम। मनोरमा मनोरमा स्वप्रभया जित प्रभाम। प्रभाम शब्दार्थ है मृदंग ढोल शंख शंख आनक दंदुभि तमाम तमामों के ध्वनि शब्दों से सताल पूर्ण ताल में वीणा वीणा मुरज एक प्रकार का ढोल इष्ट वेणु भी बंसी की सुंदर ध्वनि के साथ साथ नित्य नृत्य सहित सवाद्य बाजों सहित उपदेव गीतक है गौड़ देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों सहित मनोरमाम सुंदर तथा सुहावना स्वप्रभया अपने तेज से जित प्रभाम साक्षात सुंदरता जीतती गई। मेरे साथ पढ़े ओ वह नगरी नगरी यानी स्वर्गपुरी मृदंग शंख दमामे मृदंग बंसी शंख दमा में नगाड़े बंसी तथा बंशी बंशी तथा तार वाले सुरीले तार वाले तार वाले सुरीले सुरीले वाद्य यंत्रों कितना के अगला वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से ही पूरी थी। समूह वादन के समूह वादन स्वरों के से स्वरों से स्वरे से पूरी पूरी थी। थी। हाँ सब बज रहा था तो वह स्वर से पूरा भरा था वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था वहां निरंतर वहां नृत्य निरंतर चलता चलता रहता रहता था था और गंधर्व गण गाते रहते थे और और गंधर्व गण गंधर्व गण गाते गाते रहते रहते थे। थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता इंद्रपुरी की इंद्रपुरी संयुक्त की संयुक्त सुंदरता सुंदरता साक्षात सुंदरता यानी छटा को जीत रही थी। साक्षात साक्षात सुंदरता को सुंदरता जीता यानी यानी छटा छठ को जीत को रही जीत थी। रही थी। हाँ इतना सुंदर था ये गंधर्व गण देवता उनसे गाने को कहते हैं भगवान के जो स्तुति है ये गाते हैं वहां और भी गाते हैं लेकिन देवता लोग इसलिए एडवांस डिवोटीज कहा था भगवान के क्योंकि भगवान के गाने वो गंधर्वों से गवाते थे। वहीं ये जो नारद मुनि थे जब गंधर्व थे वहीं थोड़ा गलती कर गए और इसलिए उनको दास्य पुत्र बनना पड़ा था। याम न ब्रजन्ति अधर्मिष्ठा कला भूत द्रोह सखा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहीना ब्रजन्ति यत्। मेरे साथ याम न ब्रजन्ति अधर्मिष्ठा यांग न ब्रजन्ति याम धर्मनिष्ठा ब्रजन्ति सा धर्मनिष्ठा कला कला भूत द्रोह सखा भूत कला भूत द्रोह द्रोह सखा मानिनः कामिनो लुब्धा मानिनो मानिनः कामिनो कामिनो लुब्धा लुब्धा एभिहीना ब्रजन्ति यत्। एभिहीना ब्रजन्ति याम यत् नगरी की सड़कों में ना नहीं ब्रजंती जाते हैं कौन अधर्मिष्ठा अधर्मी लोग अलाउड नहीं है उन सड़कों में आने के लिए। कला दुष्ट ईर्ष्यालु वो भी नहीं जा सकते। भूत द्रोह अन्य जीवों पर उग्र भाव रखने वाले वो के लिए भी नहीं जाते उन सड़कों पर। छठा ताली वंचक धोखेबाज नहीं जा सकते। माने न झूठी प्रतिष्ठा वाले वाह क्या बढ़िया बात। कामे न कामी लुब्धा लालची ए भी ये हीना से पूर्ण रहित ब्रजंत घूमते हैं यत मार्ग पर। मेरे साथ पढ़े जो पापी जो जो पापी पापी ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उग्र अन्य अन्य जीवों जीवों के के प्रति प्रति उग्र के प्रति उग्र उग्र चालाक 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 हाँ चालाक बुद्धिता के लिए भी आता है लेकिन चालाक ऐसा चालाक जो अपना हित देखता है दूसरों का अहित करके वो मिथ्या चालाक है। मिथ्या हाँ मिथ्या मिथ्या अभिमानी सॉरी मिथ्या मिथ्या अभिमानी अभिमानी मिथ्या कामी अभिमानी कामी कामी
या लालची थे, या कानून या लालची लालची थे, थे वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे वे उस उस नगरी में नगरी प्रवेश में नहीं कर प्रवेश सकते नहीं थे, कर प्रवेश नहीं कर सकते थे, सकते थे। वहां रहने वाले सभी निवासी, वहां रहने वहां वाले रहने सभी वाले निवासी, सभी वहां रहने वाले सभी निवासी निवासी इन दोषों से रहित थे, इन इन दोषों से दोषों से रहित से थे। हाँ रहित थे। बिल्कुल, कितना अच्छा आपको लगता है वहां रहते हुए। ऐसा मैं ऐसे जगह रहा हूं, स्वर्ग नहीं पृथ्वी पर, जापान। जापान बिल्कुल ऐसा ही था जब मैं गया, बहुत पहले की बात है, 75 में। तब जापान आउटर वर्ल्ड को ज्यादा एक्सपोज नहीं था, बिल्कुल वहां के लोग कभी उग्र नहीं, चालाक नहीं, आप इजीली ठग सकते हैं ऐसे, कभी मिथ्या अभिमानी नहीं, कामी नहीं, लालची नहीं, ऐसे थे ज्यादातर लोग। सभी ऐसे थे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर तो रहना वहां आपको, इंडिया से मैं गया तो मुझे कैसा अच्छा लगा होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज को, कि ऐसी जगह आपको जहां ये बदमाशी हो ही नहीं, सब कुछ सब सत्य पर चलता है, कोई बात कह रहा है सत्य है, तो ये कितना अच्छा लगता है। अगर दूसरी जगह आप कहीं जाओ, वो आपको कुछ कहे, यहाँ तक कि आप कभी भी किसी से रास्ता पूछते हैं, वो कहता है इधर को जाओ आगे पूछ लेना, और कभी कभी तो इधर जाओ आगे से दाएं मुड़ जाना, आपको विश्वास नहीं होता कि ये सही भी बता रहा नहीं बता रहा। ये ऐसा ऐसे जगह पर, हमारा भी देश में इतना गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे जगह की कल्पना कर सकता हूं जहां ऐसा होता होगा, तो ये स्वर्ग इतना अच्छा है। तो जो बदमाश लोग हैं वो कहाँ, बाहर, इंद्रपुरी में नहीं, बाहर रहते हैं, उनको अलाव नहीं है इधर, तो कितना अच्छा यहाँ रहना होगा। तो लेकिन हमें इससे आकर्षित नहीं होना है, इससे आकर्षित नहीं होना है। मैं जैसे आपको बताया, जापान से मैं इतना आकर्षित हो गया था कि मुझे वहाँ हर चीज अच्छा लगने लगी, ऐसा नहीं था, क्योंकि तब मुझे कृष्ण भावनामृत के बारे में ज्ञान नहीं था, जब ये लगा उसके बाद गया मैं, उसके बाद गया तब सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन भगवान कहीं नहीं थे, इसलिए वो असुरों का देश हो गया। अगर नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर जो काम नहीं होता है वो आसुरिक काम। तो स्वर्ग ऐसा इतना सुंदर, काम देव धानीम स्वबरूथनी पति बहि समंता रुरुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम तद्मो प्रयुंजन भयम इंद्रयोषिताम। मेरे साथ, ताम देव धानीम स्वबरूथनी पति, ताम देव ताम देव धानीम धानीम स्वबरूथनी सावरूतनी पतिर पतिर बहि समंता रुरुधे प्रतन्यया, बहि बहि समंता समंता दुरुधे रुरुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, आचार्य आचार्य दत्तम दत्तम जलजम जलजम महास्वनम महास्वनम तद्मो प्रयुञ्जन भयम् इन्द्रयोषिताम्। दद्मौ दद्मो प्रयुञ्जन प्रयुञ्जन भयम् इन्द्रम इंद्रयोषिताम्। योषिताम्। ताम, उस देवधानी इंद्र के निवास स्थान को सह वह बलि महाराज बरुथनी पति ही सैनिकों का नायक वही बाहर समन्तात सभी दिशाओं से रुरुधे आक्रमण किया, ऐसी नगरी पर प्रतन्यया सैनिकों द्वारा, आचार्य दत्तम शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त जलजम शंख को महास्वनम उच्च स्वर से दद्मो बजाया, आजा लड़ना है तो आजा, इंद्र को प्रयुंजन उत्पन्न करते हुए भयम भय इंद्रयोषिताम, इंद्र द्वारा रक्षित सारी स्त्रियों का
इंद्र द्वारा जो स्त्रियां सुंदर स्त्रियां टहलती थीं या सरोवरों में स्नान करती थीं उनके लिए कितना खराब समय ये रहा होगा समझ सकते हैं। मेरे साथ पढ़े असंख्य सैनिकों के सेना असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने नायक बलि महाराज नायक बलि महाराज ने इंद्र इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर के इस निवास निवास स्थान के स्थान के बाहर बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया अपने सैनिकों को अपने एकत्र किया सैनिकों को एकत्रित किया किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। और चारों चारों दिशाओं से दिशाओं से आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा उन्होंने अपने गुरु उन्होंने शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया। प्रदत्त शंख प्रदत्त बजाया शंख बजाया बजाया हाँ शंख शुक्राचार्य ने दिए थे उनको, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए जिससे इंद्र जिससे द्वारा इंद्र रक्षित द्वारा स्त्रियों रक्षित स्त्रियों के लिए के भयावह लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। भयावह स्थिति स्थिति उत्पन्न उत्पन्न हो हो गई। गई। भगवान भगवान तम अभिप्रेत बले परमम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरुम एतद उवाच। मेरे साथ भगवान तम अभिप्रेत्य भगवान भगवान तम अधिप्रेत्या भले परमम उद्यमम बलेन पूर्वेन सर्वदेव गणोपेतो सर्वदेव गणोपेतो गुरुम गुरुम एतद् उवाचः। गुरुमेतदुवाचः भगवान इंद्र तम इंद्र के बहुत नाम तम स्थिति को अभिप्रेत समझकर भले बलि महाराज के परमम उद्यमम महान उत्साह को देखा पापा समझा। सर्वदेव गण सभी देवताओं द्वारा उपेतः साक्षात गुरुम गुरु को एतत् निम्नलिखित शब्द उवाच कहा निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर बलि महाराज के बलि अथक महाराज प्रयास के को अथक देखकर प्रयास को देखकर तथा तथा उसके मंतव्य को समझकर उसके उसके मंतव्य को मंतव्य को समझकर समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ राजा इंद्र राजा अन्य इंद्र देवताओं के अन्य देवताओं के साथ साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गए अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और इस प्रकार बोले और और इस इस प्रकार प्रकार बोले। बोले। हाँ ये होता है जब कोई परिस्थिति खराब आ गई समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझ आना चाहिए गुरु के पास जाओ, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु के पास जाओ क्योंकि गुरु आपको सही राय देगा और राय कोई भी देगा। आपकी भी परेशानियां जिंदगी में आती हैं तो आप किसके पास जाते हैं? माँ बाप के पास। लेकिन माँ बाप आपकी परिस्थिति समझें ये जरूरी नहीं है, तो आप क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो आपकी परिस्थिति में आपको सलाह दे सकता है। अब होता क्या है उस व्यक्ति जिससे आप सलाह दे रहे हैं उसका भी अपना स्वार्थ हो सकता है उसमें, तो वो राय सही दे न दे पता नहीं, फिर भी हम करते हैं ऐसा। तो किसी जो पूछते हैं क्या करें ऐसी परिस्थिति आती है तो जो कृष्ण भावनामृत में है वो क्या करते हैं अपने गुरु के पास जाते हैं, मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ क्या करूँ। अर्जुन ने वही किया। ये इसलिए गुरु चाहिए ऐसा हमको, भौतिक जगत का गुरु भी अगर हो आपका जो आपको अच्छी सलाह देता है उसके पास आप जा सकते हैं। तो ये गुरु के पास गए, बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु। न एनम कश्चित कुतो वापि वा अपि पृथिव्यो ढुम अधीश्वरः पिबन इव मुखेन इदम् लिहन इव दिशो दशः दहन इव दिशो दृग्भिः संवृतान अग्नि इवो इव उत्थितः इवोत्थितः। मेरे साथ पढ़िए न एनम कश्चित कुतो वा अपि
एनम कश्चितो कुतोपि कृतेभ्यो ढुम अधीश्वरः अधीश्वरः पिबन इव मुखेन इदम् मुखेन लिहन इव दिशो दशा एव दिशो दशा दहन इव दिशो दृग्भिः दहन इव दिशो दृग्भिः संवर्तान अग्निः इव उत्थितः संवर्तन अग्नि उत्थिताः हाँ संवर्त अग्नि कहलाती है जो प्रलय के समय होती है, ऐसी ऐसा हो रहा शब्दार्थ न नहीं एनम इस व्यवस्था को कश्चित कोई भी कुतः कहीं से भी वा अपि या तो प्रतिव्योढुम सामना करने के लिए अधीश्वर समर्थ पिबन इव मानव पी रहे हों मुखेन मुख से इदम यह लेहन इव मानो चाट रहा हो दिश दस दस दिशाएं दहन इव मानो जल रही हूं दिशा सारी दिशाएं दृग भी अपनी दृष्टि से संवर्त अग्नि इव सदृश उत्थितः उठी है। मेरे साथ पढ़े कोई कहीं भी कोई कहीं कोई कहीं भी भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का बलि की इस सैन्य सैन्य व्यवस्था व्यवस्था का का सामना सामना नहीं कर सकता, नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है, अब अब ऐसा प्रतीत ऐसा होता प्रतीत होता है है जैसे बलि सारे विश्व को जैसे अपने बलि सारे विश्व को मुंह से पी जाना चाह रहा हो, अपने मुंह अपने से मुंह से पी जाना चाह रहा हो अपनी जीभ से अपनी जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो, दसों दिशाओं दसों को चाट दिशाओं जाना को चाह रहा चाट जाना हो चाह रहा हो और अपने नेत्रों से और अपने और नेत्रों नेत्र से प्रत्येक प्रत्येक दिशा में दिशा में प्रत्येक प्रत्येक दिशा में अग्निकांड करने का प्रयास कर रहा हो, अग्निकांड करने का अग्निकांड प्रयास करने कर का रहा हो, प्रयास कर रहा हो निसंदेह वह निस्संदेह वह है संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ पड़ा है। संवर्तक संवर्तक नामक नामक प्रलयंकारी प्रलयंकारी अग्नि अग्नि के के समान उठ समान पड़ा उठ है। हाँ पड़ा है। तो कुछ अब भयंकर होने वाला है ऐसा। ब्रूहि अब गुरु को पूछ रहे हैं, अब ऐसी स्थिति है क्या करें। ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धस सत्वस दुर्दस्यत्वस्य मद रिपो ओजह सहो बलम तेजो यत एतद् सम उद्यमः। मेरे साथ ब्रूहि कारणम एतस्य ब्रूहि ब्रूहि कारणम कारणम एतस्य दुर्दस्यत्वस्य मद रिपो दुर्दशत्वस्य मद्रिपोः ओजह सहो बलम तेजो ओजः सहो बलम तेजो यत एतत् सम उद्यमः। यत एतत् सम शब्दार्थ उद्यमाः है ब्रूहि, कृपा करके हमें बताएं कारणम कारण एतस्य इसका दुर्धस्वतस्वस्य दुर्धर्षता का मत रिपो मेरे शत्रु का ओजह पराक्रम सह शक्ति बलम बल तेज प्रभाव यतः जहां से एतद् यह सब समुद्यमः प्रयास। मेरे साथ पढ़े कृपया मुझे बताएं कि कृपया मुझे बताएं मुझे बताएं कि कि ये गुरु बृहस्पति को कह रहे हैं इंद्र बलि महाराज की शक्ति बलि बलि महाराज की महाराज की शक्ति उद्यम 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 प्रभाव प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है। तथा विजय का तथा विजय विजय का का क्या क्या कारण कारण है, है वो वह इतना उत्साही कैसे हो गया है, इतना उत्साही इतना कैसे हो उत्साही गया कैसे हो हो गया गया। है हाँ वो तो कह रहे हैं कि उसको तो मैंने ठंडा कर दिया था, पूरे असुरों का खत्म भी कर दिया था करीब करीब।
वो तो नारद मुनि आए कि बस हो गया अब, इसलिए छोड़ा, मैं तो इनका विनाश ही कर देता। लेकिन ये इतने इतने उत्साही कहाँ से हो गए, इतना बल कहाँ से आया। तो गुरु अब बताते हैं, श्री गुरु वाचा, जानामि जानामि मघवन शत्रो उन्नते अस्य कारणम्। मैं जानता हूं, कह रहे शिष्याय उपप्रतम तेजो रघुभिः ब्रह्मवादिभिः। मेरे साथ पढ़िए, श्री गुरु वाचा, श्री गुरु गुरुवाच वाचा, जानामि मघवन शत्रो जानामि मघवन शत्रो। छौका छौका स हो जाता है, शत्रो शत्रो विसर्ग अगर पड़ा तो र उड़ जाएगा। उन्नते अस्य कारणम्, उन्नते अस्य कारणम्। मैं जानता हूं उसके उन्नति का कारण। शिष्याय उपभृतम तेजो, शिष्याय उपतम तेजो भृगुभिः ब्रह्मवादिभिः। ब्रह्मवादिभिः। शब्दार्थ है, श्री गुरु उवाच, बृहस्पति ने कहा, जानामि जानता हूं, भगवान हे इंद्र, शत्रु शत्रु की उन्नति उन्नति का, अस्य उसका कारण कारण, शिष्याय शिष्य को, उपभृतम प्रदत्त तेज शक्ति, भृगुभिः भृगुवंशियों द्वारा, ब्रह्मवादी भी सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं के देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति बृहस्पति ने ने कहा, कहा, हे इंद्र, हे इंद्र, इंद्र, मैं वह कारण जानता हूं मैं जिससे वो कारण जानता हूँ तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है, जिससे जिससे तुम्हारा तुम्हारा शत्रु शत्रु इतना इतना शक्तिशाली शक्तिशाली बन बन गया गया है, है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने, भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से, उनके उनके शिष्य शिष्य बलि बलि महाराज से महाराज प्रसन्न से होकर, प्रसन्न प्रसन्न होकर होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है, उन्हें उन्हें ऐसी ऐसी अद्वितीय शक्ति अद्वितीय प्रदान की शक्ति है। प्रदान की है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण है और वो अगर अपने शिष्य को, कोई शक्ति देना चाहता है तो भगवान तथास्तु, ऊपर से ये परिस्थिति ये है, भगवान इसको छीन नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति है उनमें, ब्राह्मणों में, और भृगु मुनि का वंशज है शुक्राचार्य। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतः बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान् न गतिः कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु का आशीष ऐसे उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी ऐक्य, आर ना करी है मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परम इनको म्यूट करिए, कौन है इनको म्यूट करिए। हाँ पढ़िए माता जी। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। हरे कृष्ण। परंपरा पद्धति की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, बता रहे हैं, अदरवाइज उसमें शक्ति थी, वैसे भी बलि महाराज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इंद्र को भगवान का साथ था,
इसलिए बलि महाराज को उन्होंने हरा दिया था, मारी दिया था एक ढंग से। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्रों से उसको फिर बचा दिया। बचा दिया तो अब जिस गुरु ने उसके उसके शरीर को जीवन दान दे दिया तो वो पूरी तरह उनके ऊपर न्योछावर हो गया। तो शुक्राचार्य बहुत खुश हुए उसकी भक्ति से। तो उनको सारी आध्यात्मिक शक्ति, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु का प्रसाद भगवान का प्रसाद होता है। और अगर यस्य अप्रसादान नगति कुतो अपि, और गुरु का प्रसाद नहीं हो तो फिर कोई गति नहीं है, यही होता है उसके साथ फिर, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है बलि महाराज तो। लेकिन उल्लंघन करता है फॉर गुड कॉज, भगवान की सेवा करने के लिए। ओजस्विनम बलिम जयतुम न समर्थो अस्ति कंचन भवद्विदो भवान वा भवान वापि वर्जयित वर्जयित त्वेश्वरम हरिम, या वर्जयित वर्जयित त्वेश्वरम हरिम विजयिष्यति न को अपि एनम ब्रह्म तेज समेदितम न अस्य शक्तः पुरस्तातुम कृतांतस्य यथा जना। मेरे साथ ओजनिस्वं बलिम जयतुम, ओजस्विनम बलिम जेतुम न समर्थो अस्ति कंचन न समर्थो अस्ति कंचन भवद्विदो भवान वापि भवद्विदो भवान वापि वर्जयिष्वेश्वरं हरिम वर्जयिष्वरं हरिम विजयिष्यति न को अपि एनम ब्रह्म तेज समेदितम न अस्य शक्तः पुरस्तातुम कृतांतस्य यथा जनाः। शब्दार्थ है ओजस्विनम, इतना शक्तिशाली बलि बलि महाराज को जेतुम जीतने के लिए ना नहीं समर्थ सक्षम अस्ति है कसन कोई भवत विदह तुम्हारी तरह भगवान तुम स्वयं वा अपि या तो वर्जयित्वा को छोड़कर ईश्वर परम नियंता हरिम भगवान को विजय सति जीतेगा ना नहीं कह अपि कोई भी एनम उसको बलि महाराज को ब्रह्म तेज समेदितम ब्रह्म तेज से समन्वित ना नहीं अस्य उसके शक्तः समर्थ पुरः सामने स्थातुम ठहरने के लिए कृत अंतस्य यमराज के यथा जिस तरह जना लोग। मेरे साथ पढ़े न तो तुम न तो तुम न तो तुम न नहीं तुम्हारे सैनिक परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता कोई भी उसे जीत नहीं सकता क्योंकि वह अब ब्रह्म तेज से युक्त है जिस तरह यमराज के समक्ष कोई नहीं टिक पाता जिस तरह यमराज के समक्ष उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। हाँ तो तुम तो जीत ही नहीं सकते, कोई नहीं जीत सकता उसको भगवान के अलावा, तुम क्या चीज हो, ये कह रहे हैं बृहस्पति इंद्र को। तस्माद् निलयम् उत्सृज्य यूयम् सर्वे त्रिविष्टिपम् यात कालम् प्रतीक्षन्तो यतः शत्रो विपर्ययः। मेरे साथ तस्माद् निलयम् उत्सृज्य यूयम् सर्वे त्रिविष्टिपम्
यात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रो विपर्ययः शब्दार्थ तस्मात् इसलिए निलयम अदृश्य उत्सृज्य त्याग कर यूयम तुम सर्वे सभी त्रिविष्टपम स्वर्ग का राज्य या अन्यत्र चले जाओ कालम काल की प्रतीक्षा प्रतीक्षा करते हुए यतः जिससे शत्रु तुम्हारे शत्रु की विपर्य विपरीत दशा आ जाए तब तक वेट करो मेरे साथ पढ़े अतः तुम सबको चाहिए कि अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहाँ तुम दिखाई न दो दिखाई दे तो तुमको मार देगा तो इसे दिखाई न दो। तो क्या है देवताओं के पास एक शक्ति है वो अपना रूप बदल सकते हैं कहीं भी जाओ भागो यहाँ से ये बृहस्पति बता रहे एस विप्र बलो बल उदर कह या बलो उदर कह संप्रति ऊर्जित विक्रमः एसाम एव अपमानेन स अनुबंधो विनंक्षति मेरे साथ पढ़िए एस विप्र बल उदर कह संप्रति ऊर्जित विक्रमः तेषाम् एव अपमानेन स अनुबन्धो विनङ्क्षति शब्दार्थ है एषः यः बलि महाराज विप्र बल उत्तक अपने में निहित ब्राह्मण शक्ति के कारण उन्नति करने वाला अपने से नहीं अपने गुरु की शक्ति से उन्नति किया है संप्रति इस समय ऊर्जित विक्रम अत्यंत शक्तिशाली है इस समय तेषाम उन्हीं ब्राह्मणों के एवं निसंदेह अपमाने न अपमान करने से अपमान से स अनुबंध बंध अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनंक्षति विनष्ट हो जाएगा वह समय आएगा कि बृहस्पति देख सकते थे आगे क्या होने वाला है मेरे साथ पढ़िए इस समय बलि ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गया है अत्यंत शक्तिशाली बन गया है किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएगा ये होता तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण रोहिणी माता जी रोहिणी सुहासिनी देवी माता देवीदास माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी श्रीला प्रभुपाद की जय तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु थे अतएव जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए थे उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज होते वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे।
निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में आठवें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। तो ये आठवें मनवंतर जब आएगा, बलि महाराज फिर सुतल से इधर आएंगे और बड़े कौज करे भगवान का, जबकि शुक्राचार्य ने कहा अरे ये ब्राह्मण नहीं है, सावधान हो जा, मत दे इसको कुछ, पछताएगा, सब कुछ खो बैठेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बहुत दानी थे बलि महाराज, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपको ये केरला में ओनम मनाया जाता है बलि महाराज के ऑनर में, ऑनर में हमारे रियोमा माता जी ओनम मना रही वहां। एवं सुमंत्रित अर्थात गुरुणा अर्थ अनुदर्शिना हित्वात् विष्टपम जगमुह कीर्वाणा कामरूपिणः। मेरे साथ पढ़िए, एवं सुमंत्रित अर्थात एवं सुमंत्रित अर्थात गुरुणा अर्थ अनुदर्शिना गुरुणा अर्थ अनुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमुह गीर्वाणा कामरूपिणः शब्दार्थ एवं इस प्रकार सुमंत्रित भली भांति उपदेश पाकर अर्थात कर्तव्य के विषय में ते वे देवता गुरुणा अपने गुरु द्वारा अर्थ अनुदर्शिना उपयुक्त आदेश हित्वा त्याग कर त्रिविष्टपम स्वर्ग का साम्राज्य जगमुह गए। कीर्वाणा देवतागण काम रूपेण इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा अपने हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बात मान ली उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया और वे स्वर्गलोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम, वैष्णव को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। काम रूपीण शब्द बताता है कि स्वर्ग लोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतः उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहते जाना तनिक भी कठिन न था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसे वो हो गए, इधर बितर हो गए। यही देख के अदिति बहुत दुखी हो गई, क्योंकि बच्चों को देखती थी, देवताओं को, देवता उनके पुत्र हैं अदिति के। देवेशु अर्थ निलीनेशु बलि वैरोचना पुरीम देव धानिम अधिष्ठाय बसम निन्ने जगत त्रयम। मेरे साथ, देवेशु अथ निलीनेशु बलि वैरोचना पुरीम देव धानिम अधिष्ठाय असम निन्ने जगत त्रयम् जगत्रयम्। अरे देवता, अथ इस तरह से
नीली नेस अदृश्य हो जाने पर बलि बलि महाराज बैरोचना बैरोचन का पुत्र हुरीम स्वर्ग के राजा को देव धानिम देवताओं के निवास स्थान को इंद्रपुरी को अधिष्ठाय अधिकार में करके वसम नियंत्रण में निन्ने ले लिया जगत त्रयम तीनों लोकों को। मेरे साथ पढ़िए, जब देवतागण ओझल हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया तम विश्व जैनम शिष्यम भगवः शिष्य वत्सला सतेन अयम सते सतेन अय मेधानाम अनुव्रत मया जयन। मेरे साथ पढ़िए, तम विश्व जैनम शिष्यम सतेन हय मेधानाम अनुव्रतम अयाजयन शब्दार्थ है तम उस बलि महाराज को विश्व जैनम समग्र विश्व के विजेता को शिष्यम शिष्य होने के कारण भृगवः भृगुवंशज यथा शुक्राचार्य के शिष्य वत्सला शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होकर शतेन 100 के द्वारा हय मेधानाम अश्वमेध यज्ञों के अनुभूतम ब्राह्मणों के आदर्श का पालन करते हुए अयाजयन संपन्न कराया, क्योंकि इंद्र होने नहीं देता था किसी को 100 यज्ञ। यहाँ पर उनसे कहा तू ये 100 यज्ञ कर अश्वमेध यज्ञ। मेरे साथ पढ़िए, भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता देवी दास जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान है, तथापि वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर लें। अतः उन्होंने सलाह दी कि हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेघ यज्ञ करें। आयाजनय शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। ये तो अच्छी बात है, ये बलि महाराज तो कर सके क्योंकि इंद्र नहीं था वहां। जैसे प्रभुपाद ने वर्णन किया है, पृथु महाराज इतने, वो तो भगवान के शक्तावेश अवतार थे पृथु महाराज। पृथु महाराज जब अपने पहले आप हमने पढ़ी है वो कहानी, पृथु महाराज के बेटे ने मारने गया इंद्र को, इंद्र ने अपना भेष बदल दिया और बाद में जब देखा कि वो फिर एक बार बचाया, दूसरी बार बचाया, फिर गड़बड़ करने लगा, तो पृथु महाराज ने अपना धनुष उठा लिया इंद्र को मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उससे, बेटा रुक जा, मत कर, कि वो मायावी है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, क्योंकि इंद्र को अपनी कुर्सी बचाने के लिए भगवान मना नहीं करते, इंद्र को तो स्वर्ग का राजा है,
ये इंद्र पोस्ट है, बैठ जा। बैठ गया, उसकी उम्र मनु के बराबर होती है, 31 करोड़ वर्ष, करीब करीब 30.6। तो अपनी कुर्सी बचानी है, इंद्र क्या क्या नहीं करता। विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, और यहाँ पृथु महाराज के लिए वो, जबकि पृथु महाराज कॉम्पिटेंट थे, कर सकते थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है अश्वमेध यज्ञ करने की, 99 हो गए, तुम समझो 100 हो गए, क्योंकि तुमने जाना बैकुंठ ही है, तो तुमको क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर ऐसे चालें चलेगा जिससे लोग उसको फॉलो करते हैं। इंद्र ने साधुओं का भेष रख करके गड़बड़ किया। अभी आप देखते हैं साधु के भेष में लोग आकर के चोरी करते हैं, सीख लिया इंद्र से। तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ और ऐसे उपद्रव करेगा जो लोग उससे सीखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, मत करो। तो पृथ्वी महाराज मान गए। फिर बाद में इंद्र आया, इंद्र दंडवत किया पृथ्वी महाराज को। पृथ्वी महाराज ने अपना गुस्सा बिल्कुल थूक दिया, एकदम, जिसे हम कहते हैं अपने भौतिक लैंग्वेज में गुस्सा थूक दिया। पृथ्वी महाराज ने इंद्र को गले भी लगा लिया। तो ऐसा भगवान का भक्त ऐसा होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाचालदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी